हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसबी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, इसी महीने मतलब कि 15 अगस्त को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ है बॉलीवुड की मूवी खेल खेल में। इसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर अक्षय कुमार, परदीन खान, एम ए ब्रिक, पानी कपूर, तापसी पन्नू के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिलते हैं। जहाँ पे खेल खेल में मूवी को लगभग थिएटर्स में रिलीज हुए 8 डेज के आसपास का कम्प्लीट हो चुका है और इस मूवी के 8 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में ही मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूँगा। क्योंकि करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे खेल खेल में मूवी का टोटल बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास का था, तो उस बजट के सामने इस मूवी को अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया में 2000 के आसपास के ही स्क्रीन रिलीज किया गया। जहाँ इस मूवी को लेकर शुरुआत से मार्केट में हाइप तो काफ़ी कम था, जिसके ऊपर से ये मूवी जिस टाइम पे थिएटर में रिलीज हुआ उस टाइम पे इस मूवी के ऑपोजिट हमें स्त्री टू जैसी मूवी देखने को मिला है। तो उसी चीज़ के चलते इस मूवी का जो एडवांस टिकट बुकिंग था वो भी हमें काफ़ी कम देखने को मिला और इस मूवी ने अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया से 5 करोड़ 20 लाख के आसपास का ही बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था। तो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी का रिव्यू भी उतना अच्छा ना निकलने की वजह से इस मूवी का जो डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को नहीं मिला। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी का रिव्यू भी उतना अच्छा ना निकलने के वजह से इस मूवी का जो डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो भी हमें खास इंक्रीज होते हुए देखने को नहीं मिला। जहाँ पे खेल खेल में मूवी अपनी रिलीज होने के 7 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से 18 करोड़ 85 लाख के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर चुका था। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी ने अपने डे 8 को लगभग हमारे इंडिया से 1 करोड़ के आसपास का ही कलेक्शन किया है। इस अमाउंट को अगर इस मूवी के 7 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो यहाँ पे खेल खेल में मूवी के 8 डेज का जो हमारे इंडिया का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है लगभग 19 करोड़ 85 लाख के आसपास का चला जाता है। इसी के साथ इस मूवी ने अब तक ओवरसीज से भी लगभग 6 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया है। जिन सारे अमाउंट को एक तरीके से टोटल किया जाए तो यहाँ पे खेल खेल में मूवी के 8 डेज का जो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन होता है लगभग 30 करोड़ के आसपास का चला जाता है। क्योंकि एक 100 करोड़ के बजट में बनी मूवी के लिए तो काफ़ी कम कलेक्शन है ही और खेल खेल में मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक डिजास्टर मूवी साबित एक तरीके से हो चुका है, इस बात का अंदाजा तो हमें बहुत पहले से लग चुका है। जहाँ पे पहली बात तो ये कि खेल खेल में मूवी को लेकर शुरुआत से ही मार्केट में हाइप काफ़ी कम था, जिसके ऊपर से ये मूवी स्त्री टू के ऑपोजिट थिएटर में रिलीज हुआ था और उसी के चलते कहीं ना कहीं इस मूवी का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें इतना डिक्रीज होते हुए देखने को मिला है। और उसके ऊपर से इस मूवी के अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर अक्षय कुमार देखने को मिल रहे हैं, जिनका करियर कुछ टाइम से काफ़ी ख़राब चल रहा है और उसी का इफेक्ट कहीं ना कहीं खेल खेल में मूवी के ऊपर भी पड़ा है। वैसे मैंने इस मूवी को देखा है, मुझे तो ये मूवी अच्छा लगा और कुछ कुछ ऑडियंस के रिव्यू से भी ये पता चलता है कि ये मूवी ठीक ठाक है, मतलब कि वन टाइम वॉच के लिए सही है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने अगर इस मूवी को थिएटर में जाके देखा है तो आप लोगों का इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है, इस बारे में आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।